सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, सैमसंग की काफ़ी सारे स्मार्टफोन को आज एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिला है, जिसमें काफ़ी सीरीज की जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे हैं जिनको अपडेट नया देखने के लिए मिला है, जिसमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है वो सैमसंग की जे सीरीज़ के हैं, कुछ स्मार्टफोन जो है वो सैमसंग की ए सीरीज़ के हैं। तो आज इस वीडियो में आपसे सारा कुछ बात करने वाला हूँ, कौन कौन से वो स्मार्टफोन हैं जिनको आज यहाँ पे एक नया FOT अपडेट जो है वो देखने के लिए मिला है, साथ में क्या कुछ नए फीचर्स आपको उन सारे फोन्स में देखने के लिए मिलेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सैमसंग अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन को लगभग डे बाई डे यहाँ पे FOT अपडेट के साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट और इसके साथ साथ एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट करता कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आज कौन कौन से स्मार्टफोन है जिनको फिलहाल नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिला है, सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे सैमसंग का A8 प्लस, जिसमें आपको एक नया इसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर FOT अपडेट जो है वो देखने के लिए मिला है। और ये जो अपडेट है वो बांग्लादेश में दिया गया है और इंडिया में ये जो अपडेट है वो काफ़ी समय पहले ही आ चुका था। बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे एक नया FOT अपडेट जो है वो इस फ़ोन में देखने के लिए मिला है, जिसकी जो फाइल साइज़ है वो लगभग 328 MB की है और इसके साथ साथ उसका जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पे मई 2019 का हो गया है। इसके बाद बात करता हूँ अगले स्मार्टफोन की, जो क्या आता है सैमसंग की जे सीरीज़ का, जो कि है सैमसंग का J7 नेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट में आपको एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है। और यहाँ पे आपको मई 2019 का सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने के लिए मिल जाता है एंड्रॉयड पाई का अपडेट आने के बाद। और अपडेट आने के बाद जो फाइल साइज थी वो राउंड 1 GB की थी, जो कि जिससे कि इंडिया में जितने लोग इस फोन को यूज कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट हो चुका है। उसके बाद बात करता हूँ अगले स्मार्टफोन की, जो कि है सैमसंग का A8 स्टार। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A8 स्टार में जो एंड्रॉयड पाई का जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है काफी सारी कंट्रीज में। इंडिया में ये जो अपडेट है वो अभी रोल आउट नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये जो अपडेट है आपको लगभग यहाँ पे जून में ही अपडेट जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।